नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई और ये बैठक बीजेपी के मुख्य कार्यालय में हुई, जहां की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चेयर लगाकर बैठे हुए हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जेपी नड्डा करते नजर आए। दरअसल ये बैठक इस वजह से की गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन तमाम राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, जो बीजेपी ने एजेंडा निर्धारित किया था, जो बीजेपी की चाहत थी, जो बीजेपी का टारगेट था, उस टारगेट के मुताबिक बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किया, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। तमाम लोगों की मौजूदगी थी वहां पर और केंद्रीय मंत्री को भी बुलाया गया था। बीजेपी ने ये बैठक इस वजह से की थी ताकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हो। इसके अलावा फीडबैक भी लिया जा सके कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, राज्यों में ऐसा क्या है जो वहां बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी उम्मीद लगा रही थी कि वहां कम से कम हमें अच्छी सीटें आएंगी, 80 सीटों में नहीं, कम से कम तो 70 के आसपास हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां आधे से भी कम पर बीजेपी रही और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया वहां पर। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर भी केंद्र की बीजेपी का शिकंजा कसा गया। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से भी जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश में इसका नजारा भी देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच टकराव देखने को मिले। और अब जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है तो इस बैठक में कई सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि आखिर लोकसभा चुनाव में इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं किया, इसके पीछे की वजह क्या रही और आने वाले समय में क्या बेहतर करना है, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर श्रीनगर, बिहार, इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन 2025 में ऐसे कई राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल बीजेपी इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। किस तरीके से तैयारी बेहतर की जा सके ताकि चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिले। इसके अलावा बिहार के संदर्भ में बात करें तो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी लगातार बदलाव कर रही है बिहार में अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को बनाया गया था बीजेपी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के पहले ये बड़ा बदलाव किया गया। दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने अपना बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इसको लेकर लगातार सियासत भी चल रहे हैं। बीजेपी बिहार में अपने वैश्य वोटरों को इकट्ठा करने की कवायद में जुड़ी है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा भी कई सारे कद्दावर नेता मौजूद हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।